हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MS कोडर में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द बेड बग एंड द मॉस्किटो। बेड बग का मतलब होता है खटमल और मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर, यानी कि खटमल और मच्छर। ये शॉर्ट स्टोरीज है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि इसमें हम नए नए वर्ड्स देखेंगे और हर वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे और एक नया लेसन भी हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेसन स्टोरी को। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ मॉस्किटो केम फ्लाइंग इन एंड सॉ अ फैमिली ऑफ बेड बग्स। अ मॉस्किटो, एक मच्छर, मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर। केम फ्लाइंग, उड़ता हुआ आया। केम का मतलब होता है आना, ये कम की सेकेंड फॉर्म होती है। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, इन का मतलब होता है अंदर। तो एक मच्छर उड़ता हुआ अंदर आया। एंड सॉ अ फैमिली ऑफ बेड बग्स, और उसने खटमलों के एक परिवार को देखा। सी का मतलब होता है देखना और सा जो है ये सी की सेकंड फॉर्म होती है। फैमिली का मतलब होता है परिवार और बेड बग्स का मतलब होता है खटमल। तो एक मच्छर उड़ता हुआ अंदर आया और उसने खटमलों के एक परिवार को देखा। इट वेंट अप टू द फादर बेड बग एंड आस्क्ड। इट वेंट अप टू द फादर बेड बग, ये खटमल के पिता के पास गया। वेंट अप का मतलब होता है जाना। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना। तो ये खटमल के पिता के पास गया और उसने पूछा, सर कैन यू प्लीज़ लीव सम स्पेस फॉर मी। सर, सर का मतलब होता है श्रीमान, आदरणीय। कैन यू प्लीज़ लीव, क्या आप कृपया करके छोड़ सकते हैं। लीव का मतलब होता है छोड़ना और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया करके। सम स्पेस फॉर मी, कुछ जगह मेरे लिए। सम का मतलब होता है कुछ, स्पेस का मतलब होता है जगह, फॉर मी मेरे लिए। तो श्रीमान, क्या आप कुछ जगह मेरे लिए छोड़ सकते हैं। आई वुड लव टू टेस्ट द किंग्स ब्लड बाय बाइटिंग हिम। आई वुड लव टू टेस्ट, मैं स्वाद चखना पसंद करूँगा या स्वाद लेना पसंद करूँगा। टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को चखना, किसी चीज़ के स्वाद को टेस्ट करना। द किंग्स ब्लड, राजा के रक्त का, यानी राजा के खून का। बाय बाइटिंग हिम, उसको काट कर। बाइट का मतलब होता है काटना, ब्लड का मतलब होता है रक्त। तो मैं राजा को काट कर उसके रक्त का स्वाद लेना पसंद करूँगा। ये कौन कह रहा है, ये मच्छर खटमल से कह रहा है। द मॉस्किटो सेड, मच्छर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। बट वेट टिल ही इज फास्ट एस्लीप। बट वेट, लेकिन प्रतीक्षा करो। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। टिल, जब तक। टिल का मतलब होता है जब तक। ही इज फास्ट एस्लीप, जब तक वो गहरी नींद में ना सो जाए। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। तो तुम प्रतीक्षा करो जब तक वो गहरी नींद में ना सो जाए। और यू माइट वेक हिम अप इफ ही इज नॉट डीप इन स्लीप। यू माइट वेक हिम अप, तुम उसे जगा सकते हो। वेक अप का, वेक का मतलब होता है जगाना। इफ ही इज नॉट डीप इन स्लीप, अगर वो गहरी नींद में ना सोया। डीप का मतलब होता है गहरी और स्लीप का मतलब होता है सोना। तो तुम उसे जगा सकते हो अगर वो गहरी नींद में ना सोया। द फादर बेड बग वॉर्न्ड हिम एंड मेड हिम प्रोमिस। द फादर बेड बग, बेड बग यानी कि खटमल के पिता ने वॉर्न्ड हिम, उसे आगाह किया या उसे चेतावनी दी। वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, आगाह करना। एंड मेड हिम प्रोमिस, और उससे वादा लिया। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना और मेड का मतलब होता है वादा लेना किसी से। अगर प्रोमिस के साथ मेड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी से वादा लेना। तो खटमल के पिता ने मच्छर को आगाह किया और उससे वादा किया। सो एट नाइट, इसीलिए रात में। सो का मतलब होता है इसीलिए और एट नाइट का मतलब होता है रात्रि में। व्हेन द बग्स वर रेडी टू बाइट द किंग अगेन। व्हेन द बग्स, जब खटमल, बग्स का मतलब होता है खटमल, वर रेडी, तैयार थे। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। टू बाइट, डंक मारने के लिए या काटने के लिए। बाइट का मतलब होता है काटना, द किंग, राजा को, अगेन, फिर से। तो रात्रि में जब खटमल राजा को फिर से काटने के लिए तैयार थे। द मॉस्किटो केम फ्लाइंग इन, मच्छर उड़ता हुआ अंदर आया। मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर, केम का मतलब होता है आना, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ते हुए और इन का मतलब होता है अंदर। तो मच्छर उड़ते हुए अंदर आया। एंड बाइट द किंग हार्ड, और राजा को कठोरता से या तेजी से डंक मारा। बाइट का मतलब होता है काटना, डंक मारना, और हार्ड का मतलब होता है कठोरता से। तो मच्छर उड़ता हुआ अंदर आया और उसने राजा को कठोरता से डंक मारी। द किंग साउटेड इन पेन, राजा दर्द से चिल्लाया। साउट का मतलब होता है चिल्लाना और साउटेड, साउट की सेकंड फॉर्म होती है, और पेन का मतलब होता है दर्द। तो राजा दर्द में चिल्लाया। रबिंग हिज हैंड हार्ड,
अपने हाथों को तेजी से मसलते हुए। रबिंग का मतलब होता है मसलना या रगड़ना, और हार्ड का मतलब होता है तेजी से, कठोरता से। तो राजा अपने हाथों को कठोरता से रगड़ते हुए दर्द से चिल्लाया, हियरिंग द किंग्स क्राइज। हियरिंग सुनकर, हियर का मतलब होता है सुनना, और जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है स्टार्ट में तो उसके लास्ट में हम कर का मीनिंग निकालते हैं। मतलब सुनकर, अगर यहाँ पर ईट होता और उसमें ईटिंग लगा हुआ होता, आईएनजी लगा हुआ होता, तो उसका मतलब होता है खाकर। अगर रन होता और उसमें आईएनजी लगा हुआ होता तो उसका मतलब होता है दौड़कर। तो हियरिंग सुनकर, द किंग्स क्राइज, राजा के चिल्लाने को, क्राइज का मतलब होता है चिल्लाना, तो राजा के चिल्लाने को सुनकर द किंग्स गार्ड्स केम रनिंग इन। किंग्स गार्ड, राजा के बॉडी गार्ड, गार्ड का मतलब होता है बॉडी गार्ड, केम रनिंग दौड़ते हुए इन अंदर आए। केम का मतलब होता है आना, और रनिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए, इनका मतलब होता है अंदर। तो राजा के बॉडी गार्ड राजा के चिल्लाने को सुनकर दौड़ते हुए अंदर आए। द मॉस्किटो फ्लू अवे, मॉस्किटो फ्लू अवे, मच्छर उड़ गया। फ्लू अवे का मतलब होता है चले जाना या उड़ जाना। द किंग्स गार्ड्स स्टार्टेड टू बीट द बैड हार्डली। द किंग्स गार्ड, राजा के बॉडी गार्ड ने स्टार्ट टू बीट, पीटना शुरू कर दिया, द बैड खटमलों को, हार्डली कठोरता से। तो राजा के बॉडी गार्डों ने खटमलों को कठोरता से पीटना स्टार्ट कर दिया। टू रिमूव इंसेक्ट्स, उनको बाहर निकालने के लिए। रिमूव का मतलब होता है बाहर निकालना निकालना, और इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े। तो राजा के बॉडीगार्डों ने उन कीड़ों को बाहर निकालने के लिए उन्हें कठोरता से पीटने लगे। वाइल द बैड बग्स रिसीव्ड बीटिंग, वाइल का मतलब होता है जब, बैड बग्स का मतलब होता है खटमल, और बीट का मतलब होता है पीटना, ठीक है ना। तो जब खटमल पिट रहे थे, रिसीव का मतलब होता है कुछ चीज़ ग्रहण करना, मतलब जब वे पिट रहे थे राजा के दरबारियों से, तो द मॉस्किटो लाफ्ड लाउडली एट देम। द मॉस्किटो, मच्छर, लाफ्ड हंसा, लाफ की सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड, और लाफ का मतलब होता है हंसना, लाउडली जोरों से, एट देम उन पर। तो मच्छर जोरों से उन पर हंसने लगा जब बेडबग्स यानी कि खटमल पिट रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। डू नॉट, देखिए डू नॉट का मतलब होता है मत। अगर कोई सेंटेंस किसी डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब होता है डू नॉट, मतलब किसी चीज़ से रोकना किसी को। डू नॉट का मतलब होता है मत। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, तुम भरोसा मत करो। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबियों पर। सो ईजिली, इतनी आसानी से। तो हमें इतनी आसानी से किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये खटमल का इमेज दिया हुआ है, मच्छर का इमेज दिया हुआ है, और बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरीज थी इसमें। हमने बहुत से नए नए वर्ड्स सीखने को मिला, और एक नई कहानी भी हमने इससे सीखा। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।